नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया हूँ। राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए आई है। एंड साथ ही में अपन देखेंगे कि इसके अंदर पदों की संख्या कितनी रहने वाली है और क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता है। एंड साथ ही में अपन देखेंगे कि इसका विज्ञापन कब तक जारी हो जाएगा और क्या कारण है कि ये वैकेंसी लेट हुई थी। तो अपन देखते हैं ऑथेंटिक डिटेल्स एंड प्रूफ के साथ। एंड दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम कर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को भी जरूर लाइक करेगा। तो आप सभी देख सकते हैं, नेशनल न्यूज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रफ्तार न्यूज नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये न्यूज आ रखी है, आरएसएम एसएसबी में 2739 पदों के लिए भर्ती, यहाँ जाने अहम जानकारियाँ। तो दोस्तों, पहले ये जो वैकेंसी थी 2000 पदों के लिए प्रस्तावित थी और इसका विज्ञापन भी जारी होने वाला था, लेकिन इसका एक रीज़न था, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप सभी देखिएगा। तो इस बार जो वैकेंसी आपकी आने वाली है 2739 पदों के लिए आने वाली है, ये नेशनल न्यूज़ है रफ्तार। तो इसके ऊपर ये ऑथेंटिक जानकारी आप सभी देख सकते हैं। तो इसमें अपन डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी ने पटवारी पद के लिए 2739 पदों के लिए भर्ती निकाली है। रिक्तियों के बारे में, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रखा जाएगा एंड इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी किया जाएगा। एंड जल्दी पटवारी भर्ती से संबंधित एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके अंदर आवेदन की अंतिम तिथि की जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 तारीख का ये अपडेट हो रखा है। इसमें 23 जनवरी 2019 की न्यूज़ है, शाम को 4 बजे की, ठीक है। और आपने पहले भी ये न्यूज़ आई थी कि जो 10 महीने से पटवारी भर्ती अटक रखी है राजस्व मंडल के अंदर, और इसके अंदर आपको रीज़न पता चल जाएगा कि क्या कारण था कि ये वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 महीने से राजस्व मंडल में अटकी पड़ी 2000 पटवारियों की भर्ती। तो पहले 2000 पदों पर ये प्रस्तावित थी, अभी वर्तमान के अंदर 5000 पद पटवारी के खाली पड़े, ठीक है। तो हो सकता है पदों की संख्या 3000 भी हो जाए या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो 5000 पद अभी वर्तमान के अंदर खाली है, जिसमें 2739 के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है, ठीक है। और ये कब तक जारी हो जाएगा? फरवरी के एंड तक इसका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फरवरी के एंड में या फिर जो मार्च के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उनकी आचार संहिता लग जाएगी, तो इसलिए इसका फरवरी के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा पटवारी भर्ती का, ठीक है। और क्या कारण था कि ये लेट हुई थी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिला स्तर पर, ठीक है। तो इसमें बता रखा है, जिला स्तर क्रम पर 97 पद हो तभी आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। तो हर एक ज़िले के अंदर एमबीसी की सीट भी निकालना जरूरी थी, तो इसके लिए हर एक ज़िले के अंदर 97 पोस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन 97 पोस्ट नहीं बैठ पा रही थी, इसलिए जो 1% आरक्षण है एमबीसी का, ठीक है, मोर बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण बैठ नहीं पा रहा था, इस वजह से पदों की संख्या को बढ़ाया गया है एंड इसी वजह से ये वैकेंसी लेट हुई थी, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जो 97 वाला जो लफड़ा चल रहा था 1% आरक्षण को लेकर, उसको भी सुलझा लिया गया है एंड जो जल्दी पटवारी भर्ती शुरू की जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, जो बीएल जटावत है, इन्होंने कहा था कि 1% आरक्षण के हिसाब से जितने पद एमबीसी के लिए होने चाहिए, राजस्व मंडल ने उतने पद आरक्षित नहीं किए, तो इसलिए उन्होंने फाइल फिर से लौटा दी है। एंड जो अब फाइल फिर से लौटा दी थी, तो अब जो इसका सॉल्यूशन हो चुका है, पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, हर एक ज़िले में 97 से ज़्यादा पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन की फाइल बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस बार कोई भी रुकावट नहीं आने वाली इस वैकेंसी को लेकर, ठीक है। तो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है जल्दी फरवरी के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अंदर आपके पास जो यानी किसी भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास स्नातक की, ठीक है, ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए एंड साथ ही में आपके पास जो RSCIT कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन यानी स्नातक अगर आपने BTEC कर रखा है, CS वालों को जो RSCIT की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रखा है एंड जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कर रखा है, उनको RSCIT की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जिन्होंने BTEC कर रखी है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप RSCIT का सर्टिफिकेट ले लें, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी BTEC, BCOM, BA
एंड जो भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास RSCIT रेनी चाहिए। एंड एज लिमिट इसमें है आपकी 18 से 40 वर्ष तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो बाकी SC ST को 5 साल की छूट रहेगी, OBC को 3 साल की छूट इसमें रहने वाली है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन इसका जल्द ही जारी हो जाएगा और ये न्यूज़ भी आपकी लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी देख सकते हैं। 2739 पदों के लिए RSM SSB जल्द ही वैकेंसी निकालने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी की इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी तो आप सभी देख लीजिएगा। और आपको ये न्यूज़ डाउनलोड करनी है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप सभी देख लीजिएगा। 5000 पद अभी वर्तमान में खाली है तो 3000 के लगभग जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।